चलिए फ्रेंड, आज हम लोग आटा गूंदने के एक नए ट्रिक जानते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट जिससे मेरा आटा रहे, उस तरह का एक ट्रिक आज हम लोग जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हाय फ्रेंड, वेलकम टू बैक डीसी अपना किचन। तो फ्रेंड, आज मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ आटा गूंदने का। तो आपको लगता होगा इसमें क्या है, आटा गूंदना तो किसको नहीं आता है। हाँ फ्रेंड, ये बिल्कुल सही है, आटा गूंदने सभी को आता है। बट मैं इसमें एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप आटा को फ्रिज में 2-4 घंटा के लिए भी आराम से भी रख देते हैं तो बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल। जिसके लिए मैं ये आटा है ना, अब इसमें मैं ये दूध डालूँगी। अब ये दूध डालने से क्या होगा, हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा। ठीक है फ्रेंड, अब मैं ये दूध इसमें डाल देती हूँ और डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला के इसको भून के मैं 2-3 घंटे के लिए आराम से रख सकती हूँ, हमारा आटा सॉफ्ट। ये देखिए, इस तरह से इसको भून लेना है बिल्कुल अच्छा तरीका से। ये देखिए, इस तरह से भूनना है। तो ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से गूंदना है। आपको मैं दिखा दूंगी कितना सॉफ्ट हो जाएगा बनकर, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये देखिए इस तरह से इसको अच्छी तरीका से गूंद के दिखा लेना है। ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा बिल्कुल सॉफ्ट। मैं आपको गूंद के दिखा रही हूँ कितना सॉफ्ट हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से करना है हमको, और ज़्यादा मसलना भी नहीं है। थोड़ा मसलने से ही हमारा बहुत आराम से और बहुत अच्छा आटा गूंदकर तैयार हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, हमारा आटा गूंदकर बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार हो चुका है। और इसी तरह से आपको आटा गूंदना है। और ये देखिए, देखिए कितना सॉफ्ट है। ये देखिए, और इसको आप 2-4 घंटा या फिर 5-10 घंटा भी रख सकते हैं एटलीस्ट। ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा बिल्कुल सॉफ्ट। और ये देखिए, बिल्कुल चिपका भी नहीं। आप दूध की जगह घी के भी यूज कर सकते हैं। अगर घी भी डालते हैं तो हमारा आटा बहुत सॉफ्ट रहता है, बहुत देर तक लास्टिंग करता है। ये देखिए, इस तरह से देखिए कितना अच्छा है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।